बेचारी वो लड़की को अपना प्रॉपर्टी उसके नाम करना मत, मेरा तो इसने सारा जेवर लेके भागा है। सोमी को हम लोग बोलना चाहेंगे कि आप कभी भी पैसे का कोई कंट्रोल इसको देना नहीं, और ना ही कोई प्रॉपर्टी इसके नाम पे करना, कितना भी ये करे। दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि थैंक यू सो मच कि सोमी ने वक्त से पहले ये दूसरी शादी के भी फोटो वीडियो वायरल किए, वरना उसको भी उसके साथ भी 3-5 कर लेता। वो क्या करता, 3-5 सबको मुलुंड और मलाड़ दिखाता है जो कि है मूंगफली। अच्छा राकेश, सोमी के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? कहती हूँ बेचारी वो लड़की को अपना प्रॉपर्टी उसके नाम करना मत, मेरा तो इसने सारा जेवर लेके भागा है, जो कि जेवर मुझे रितेश जी ने गिफ्ट में किए थे, गिफ्ट किए थे इनके जेवर ही, इन्होंने मुझे गिफ्ट किए थे जेवर, एम आई राइट? तो इन्होंने गिफ्ट किए थे, तो बोलने नहीं बोलना है, तो छोड़ दो, जाने दो, नहीं बोलना है। पता है वो मेरे जेवर थे, और 3.5 करोड़ का चेक मेरे पास है जो बाउंस अभी सारे हो गए। बस सोमी को हम लोग बोलना चाहेंगे कि आप कभी भी पैसे का कोई कंट्रोल इसको देना नहीं, और ना ही कोई प्रॉपर्टी इसके नाम पे करना, कितना भी ये करे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ना कि राखी के, बहुत सारे केसेस आपको धीरे धीरे खुलने में आएंगे, बहुत सारे केसेस, क्योंकि इसने पहले हम लोग इसको चांस दिए थे कि चलो एटलीस्ट तुम जहाँ से भी जेल होके आए हो तुम सुधर जाओ इसके बाद, क्योंकि सबको सुधरने का चांस होता है। लेकिन ये अपने हरकतों से बाज नहीं आया, फिर से वही काम किया, उसके बाद राखी को परेशान करना शुरू किया, बहुत सारे टॉर्चर किए, बहुत सारे लोगों को कभी कहता है कि पुलिस मेरे जेब में है, कभी कहता है कानून मेरे जेब में है, तुम्हारे लॉयर को खरीद लिया हूँ, ये कभी कभी मुझे कहता है तेरे ही पैसों से मैंने सबको खरीद लिया है। तो ये बातें ये गलत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं साजिश था राखी को टॉर्चर करने का, मेंटली प्रेशर करने का, कि राखी को या तो कुछ हार्ट अटैक आ जाए या खुद सुसाइड कर ले। ओ, ये सारी चीज़। सर मेरे को हार्ट अटैक नहीं आएगा, मैं लोग को हार्ट अटैक दिला दूंगी, क्या बात करते हो, राखी सावंत नाम है मेरा। तो उसकी बीवी को एक ही कहना चाहती हूँ, सुमी बहन, कोई पैसे जब बाथरूम में जा नहाने तो करण अर्जुन छुपाना, गोरेगांव छुपाना, ये दरिंदा है, वीडियो बना के बहुत सारी कंट्रियों में बेचता है, इसने मेरे वीडियो बनाए हैं, इसने मेरे वीडियो बनाए, मैं पुलिस को दिए हैं, मैं मीडिया को नहीं दे सकती हूँ, मैं आपको दिखाया था मैंने, एम आई राइट? सर बताओ, तो सारे चैट हम लोगों ने देखे हैं, जो भी इसके कन्वर्जेशन थे जो इंटरनेशनल विदेश से बाहर है, और मैं इन प्रिसाइजली आपको बोलूँ कि वो कम्युनिकेशन पाकिस्तान हुए, उस पर बहुत सीवियर एक्शन हो सकता है। हम लोग अभी तक उस पर सीवियर, क्योंकि हम लोग सोचे थे कि चलो भाई सुधर जाएगा इंसान, लेकिन ये सुधरने वाला है नहीं, तो इसको अब इसी के लैंग्वेज में हम लोग सिखाएंगे, बहुत अच्छी तरह सिखाएंगे, और एक भी राखी का बाल बाका हो गया तो तुम्हारा क्या क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो, तुम्हारे साथ खानदान ये सोच के पछताएंगे कि मैं फिर क्यों ऐसे हरकतें किया, और जितनी भी लड़कियों के साथ तुमने किया है, जितनी भी लोगों के साथ किया है, अब हम लोग पूरे जय छह के मूड में हैं, तुमको हार का सिखाने के कहने का मतलब है कि अगर मेरा एक बाल भी बाका हुआ तेरा क्या क्या टेढ़ा होगा ना, तेरा क्या क्या टेढ़ा होगा, अगले 7 पुश तक तेरे खानदान में कोई भी टेढ़ा हुई चीज़ें वापस सीधी नहीं कर पाएगा, अभी तू देख तेरी क्या क्या चीज़ें टेढ़ी होती। और बाकी जो लोग हैं जो इनके साथ इन्वॉल्व हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये गिरोह है, गिरोह, ये आज आखिरी मौका है आपके पास, आज के प्रेस मीडियम से आपको आखिरी मौका है, चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर करके इससे अलग हो जाओ, नहीं तो उसके बाद आपका भी काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, आप ये इसको खुली चुनौती। अब बेटे अपने काउंटडाउन शुरू कर, तू तो मुझे अरेस्ट कराने वाला था रियली।